हाय एवरीवन वेलकम टू गार्डन क्लास आज के सेशन में हम देखेंगे कि बोगनवीलिया बोगनवीलिया में चार से पाँच हफ्ते में आप ज्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पा सकते हैं इसका सबसे पहला स्टेज है कि प्लांट को हेवी प्रून करें प्रोनिंग सारे ब्रांच की ज्यादा से ज़्यादा कटिंग कर दें इसी को हेवी प्रोनिंग कहा जाता है तो सबसे पहले आइए हम हेवी पुरून कर रहे हैं प्रूनिंग से पहले हमने प्रूनर का सैनिटाइजेशन कर लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और इस तरह से सारे ब्रांचेस को सारे ब्रांचेस को एक से डेढ़ फीट ऊपर से कट कर दें चाहे मोटे हों या पतले ऑलमोस्ट सारे ब्रांच कट हो जाना चाहिए इसी को हेवी प्रूनिंग कहते हैं फूल आने का सबसे आसान तरीका है कि हेवी प्रून करें सिर्फ हेवी प्रून भी कर देते हैं तो इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि प्रूनिंग के बाद आगे का क्या केयर करें आप ताकि चार से पाँच हफ्ते में आपका ये प्लांट फूलों से पूरी तरह भर जाए जिसमें पत्ते नहीं के बराबर हो और सिर्फ फूल ही फूल हो ये देखिए आपने हेवी प्रूनिंग कर लिया है और हेवी प्रोनिंग के बाद वो कट वाले पोर्शन पे हम फंगीसाइड अप्लाई कर देते हैं ये फंगीसाइड पाउडर है आप दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या एलोवेरा जेल लगा दें या नहीं भी कुछ लगाते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस सीज़न में ख़ास करके अगर बरसात वगैरह में आप करें तो ज़रूर अप्लाई करें कुछ ना कुछ ये देखें जो फर्टिलाइज़र हम इसमें डालने वाले हैं मेजिकल फर्टिलाइज़र उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है 300 ग्राम 20 ग्राम मस्टर्ड की पाउडर 20 ग्राम बोन मिल और इसमें हम मिलाएंगे और ऑलमोस्ट 30 ग्राम नीम खली पाउडर ठीक है 30 ग्राम नीम खली पाउडर भी हमने मिला दिया है सबको अच्छी तरह से मिला लें ये क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो जाए आगे पीछे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करें इसी रेशियो में मिलाएँ सारे फर्टिलाइज़र को हम एक साथ मिला लेते हैं ये सारे स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर बने रहेंगे और साल में दो बार ही फर्टाइल करें आप बुगनवीलिया को ये देखें एक बार इसको जनवरी के एंड में और एक बार और एक बार जुलाई के एंड में दो बार ही किया करें ठीक है और ये देखें इसमें हम अप्लाई कर देते हैं अच्छा से सफिशेंट क्वांटिटी और उसको मिट्टी को डिग कर देते हैं अप्लाई करने के बाद डिग करना ये सबसे आसान तरीका है या फिर आप मिट्टी निकाल के उस मिट्टी में खाद को मिला के फिर उसमें डाल दें डाइट खाद काफी नहीं डालें रूट के आसपास हमेशा डाइल्यूट करके मिट्टी के साथ डालें हमने अप्लाई कर दिया है और मिट्टी के साथ इसे अच्छा से चला दिया फिर एक बार अप्लाई करके इसको मिट्टी को सॉफ्ट कर लेते हैं ये देखें थोड़ा सा क्वांटिटी और मिट्टी के साथ मिला के हम ऊपर से डाल देते हैं हमेशा गमले के मिट्टी के साथ मिला के खाद को डालें डाइल्यूट करके प्योर खाद कभी नहीं डालें ये देखें इस तरह से हमने सफिसंट क्वांटिटी डाल दी है पानी के लिए थोड़ा जगह बना देते हैं ये देखें और अब इस पर हम सफिसंट पानी अप्लाई कर जब भी आप खाद डालें कोशिश करें कि सफिसट पानी ज़रूर डाल दें उससे खाद अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है और प्लांट के आब्जॉर्बशन के लेवल तक पहुंच जाता है ये देखे। देखें आफ्टर फाइव वीक्स करीब तीस पैंतीस दिन बाद देखें हमारा पेड़ पूरी तरह से फूलों से भर गया है बोगनविलिया विलिया में फूल पाने का यही एक तरीका है कि भी पुरून करें फर्टिलाइज़र डालें और पानी तभी डालें जब ज़रूरत हो उंगली से चेक कर लिया करें कि एक इंच तक ज़मीन सूख जाए तब पानी डाला करें जब तक ज़मीन गीली दिखे तब तक कभी पानी नहीं डालें। और इस तरह से आप भी बोगनविलिया विलिया में ढेर सारे फूल हासिल कर सकते हैं एक कस्टेज ऐसा आएगा जब बोगनविलिया में आप गीलिए देख पानी ही डालें जाओ पानी की ज़रूरत हो अभी पानी की जरूरत नहीं है इसमें भी डालें में मिट्टी की बुराई करते हैं ये अच्छा पूरा अरे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियोज़ थैंक यू थैंक यू वेरी मच